और चलिए अब बात कर लेते हैं महायुद्ध की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आज यूक्रेन ने बड़ा काउंटर अटैक किया है। यूक्रेन ने दरअसल आज फिर से रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा ड्रोन हमला कर दिया है। मॉस्को में एक साथ कई ड्रोन हमलों से हड़कंप मच चुका है। रूस की सेना ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन्स को मार गिराया है। लेकिन इस हमले के बाद मॉस्को में एयर ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया। हमले में दो इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के इस ड्रोन हमले के बाद पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है और अगले 24 घंटे यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो महायुद्ध में हर दिन आप देखते हैं कि तस्वीरें बदलती दिखाई देती हैं। कभी रूस यूक्रेन को घातक हमला करता है, कभी यूक्रेन उसका पलटवार करता है। अब यूक्रेन ने एक हमला किया है और यह हमला मॉस्को पर किया गया। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में परमाणु हथियारों को लेकर टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने एक बहुत ही डरावनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दरअसल चेतावनी जारी कर दी गई है कि गैर परमाणु हथियार वाले देशों में परमाणु हथियारों की तैनाती से तनाव पैदा हो सकता है और ऐसा तनाव जो परमाणु युद्ध की आशंका को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक ऐसे ही बनेगा परमाणु बम का सबसे नया ठिकाना। जल्द शुरू हो सकता है वहां परमाणु बमों को लगाना। रूस का करीब बनेगा परमाणु हथियारों का नया अड्डा। पोलैंड में खोदा जाएगा नाटो का न्यूक्लियर गड्ढा। जमीन के अंदर बनेगा साइलो, साइलो में सेट होगी मिसाइल, मिसाइल में लगेगा परमाणु हथियार। ऐसे परमाणु हथियार जो बेलारूस में लगे परमाणु बमों को काउंटर करेंगे। साथ ही साथ रूस के परमाणु हथियारों का काट बनेंगे। बेलारूस के पास पहले परमाणु हथियार नहीं थे, लेकिन रूस के परमाणु हथियारों के सेट हो जाने के बाद वो परमाणु धौंस जमा रहा है। ठीक ऐसे ही दुनिया में पांच देश ऐसे हैं जिनके पास खुद के परमाणु बम भले ही नहीं है, बावजूद इसके वो परमाणु हथियारों से लैस हैं। वो कौन कौन से देश है इसे आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट पर गौर करना बहुत जरूरी है। गैर परमाणु हथियार वाले देशों में परमाणु हथियारों की तैनाती एक नया तनाव पैदा करने वाला है। बेलारूस दुनिया का छठा ऐसा देश है जो दूसरे देश के परमाणु हथियारों का मेजबान बन गया है। बेलारूस से पहले अमेरिका ने पांच दूसरे देशों में अपने परमाणु बम लगा रखे हैं। वो पांच देश कौन कौन हैं हम ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड की सबसे बड़ी परेशानी जान लीजिए। बेलारूस में रूस के लगे परमाणु बमों से घबराए पोलैंड ने अमेरिका से न्यूक्लियर बम की मांग की है। पोलैंड का कहना है कि उसे अपनी रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर अमेरिका से परमाणु हथियार चाहिए और उसकी घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ साफ शब्दों में पोलैंड में परमाणु हथियारों के लगाने की बात कही है। W związku z tym, że Rosja ma zamiar rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi, my tym bardziej zwracamy się do całego NATO o wzięcie udziału w programie Nuclear Sharing. Oczywiście przede wszystkim jest to decyzja Amerykanów. Ale my nie chcemy siedzieć z założonymi rękoma, kiedy Putin eskaluje różnego rodzaju groźby.
Ostateczna decyzja będzie zależała oczywiście od naszych partnerów amerykańskich, partnerów natowskich. My deklarujemy naszą wolę szybkiego działania w tym zakresie. पोलैंड के प्रधानमंत्री का कहना है कि पोलैंड नेटो के परमाणु हथियार साझाकरण कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है। पोलैंड के पीएम के इस बयान को बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में परमाणु युद्ध का एक ऐसा न्यूक्लियर वॉर फ्रंट बन जाएगा। एक तरफ बेलारूस में पहले से ही रूस ने परमाणु हथियार लगा रखे हैं, वहीं दूसरी ओर बेलारूस के पड़ोसी पोलैंड में अमेरिका परमाणु बम लगा देगा। अमेरिका और रूस के परमाणु बम आमने सामने आ जाएंगे। पूरी दुनिया को पता है कि रूस ने अपने परमाणु बमों को बेलारूस में फिट कर दिया है। बेलारूस के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि परमाणु बमों की पहली खेप बेलारूस पहुंच गई है। और अब बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर क्रेनिन ने उस परमाणु बम के मॉडल को लुकाशेंको को भेज कर दुनिया के सामने न्यूक्लियर पिक्चर पेश की है। साथ ही साथ बेलारूस से हार खाए देशों को बिना कुछ कहे बहुत ही बड़ी चेतावनी दे दी है। आगे बढ़ने से पहले लुकाशेंको और विक्टर क्रेनिन के बीच में इस मौके पर क्या बातचीत हुई, इसे सुन लीजिए। Это старое. Так точно. Современное по-другому смотрится. Я потом расскажу точку зрения, как они чем отличаются и выглядят это уже. Ну вот, чтобы символично было, что это у нас все. Копия, да? Это копия первой самой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе. Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически. Символически. बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के ऑफिस से इस वीडियो के सामने आने के बाद दुनिया में बढ़ गया है परमाणु फीवर। नेटो कैंप में फैल गया है न्यूक्लियर फियर। यही वजह है कि पोलैंड ने परमाणु बम की डिमांड के अलावा अमेरिका ही नहीं दूसरे देशों से भी घातक हथियार खरीदने में जुटा है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा पहले ही बयान दे चुके हैं कि उनके देश को अपनी जमीन पर अमेरिका के परमाणु बम को तैनात करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अमेरिका के परमाणु हथियारों की मेजबानी के लिए बातचीत कर रहे हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा ने बयान दिया है कि हमने अमेरिका के नेताओं के साथ इस बारे में बात की है कि क्या अमेरिका इस तरह की संभावना पर विचार कर रहा है। मुद्दा खुला है। पोलैंड ने आशंका जताई है कि पुतिन यूक्रेन की सेना का सफाया करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलैंड पर पुतिन कितना खफा है ये किसी से छिपा नहीं है। अगर परमाणु जंग छिड़ गई तो रूस की न्यूक्लियर पुल मिसाइलों के पोलैंड की राजधानी वॉर्सा तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त लगेगा। अगर पोलैंड की मांग मानते हुए अमेरिका वहां परमाणु बम लगाने को हरी झंडी दिखा देता है तो पोलैंड यूरोप में छठा ऐसा देश होगा जहां अमेरिका के परमाणु बम लगे होंगे। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुमान के मुताबिक यूरोप में फिलहाल 5 देशों में अमेरिका करीब 100 परमाणु बम मौजूद है। बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर 15 परमाणु बम रखे गए हैं जिन्हें लॉन्च करने के लिए F-16 एयरक्राफ्ट तैनात है। जर्मनी के बुचेर एयरबेस पर 15 परमाणु बम है और हमला करने के लिए PA-200 टॉर्नेडो एयरक्राफ्ट की तैनाती है। इटली के एवियनो एयरबेस पर अमेरिका ने 20 परमाणु बम लगा रखे हैं, हमले के लिए F-16 एयरक्राफ्ट तैनात है। वहीं इटली के घेड़ी एयरबेस पर अमेरिका ने 15 परमाणु बम लगा रखे हैं, हमले के लिए PA-200 टॉर्नेडो मौजूद है। नीदरलैंड के वोल्केल एयरबेस पर 15 परमाणु बम लगा रखे हैं और हमले के लिए F-16 एयरक्राफ्ट तैनात है। वहीं तुर्की में इंसलिर्क एयरबेस पर 20 परमाणु बम होने का अनुमान लगाया गया है। पश्चिमी मीडिया में ऐसा दावा किया गया है कि रूस की वैगनर आर्मी अपने घर में नाकाम बगावत के बाद बेलारूस में एक नया और बहुत बड़ा बेस बना रही है। वैगनर लड़ाकों के बेलारूस पहुंचने की खबरों के बीच पोलैंड ने अपने बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी है क्योंकि पुतिन से बगावत कर चुके येवगेनी प्रिगोजिन
क्या आगे कर सकते हैं इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। Relokacja sił rosyjskich de facto w postaci prawdopodobnie grupy Wagnera na Białoruś, także i przeniesienie tam szefa grupy Wagnera, więc to są wszystko dla nas takie bardzo negatywne sygnały, które na pewno bardzo mocno chcemy postawić także naszym sojusznikom i generalnie realizacja również postanowień szczytu w Madrycie, to żeby reagowanie na to było szybsze, to żeby plany obronnościowe NATO były bardziej wydajne, szybsza relokacja żołnierzy, zwiększenie siły grup batalionowych, które stacjonują w naszej części Europy, zwiększenie zasobów militarnych NATO w naszej części Europy. To są wszystko te cele, które chcemy tutaj uzyskać. Pamiętajcie Państwo... यूक्रेन युद्ध के शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन की मदद कर रहा है, इस वजह से उसने रूस से दुश्मनी बोलने रखी है, इसीलिए पोलैंड पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो वैगनर ग्रुप जंग में पुतिन के लिए मरने और मारने की कसमें खाता था उसके ही मुखिया ने पुतिन से बगावत कर दी, इसीलिए पोलैंड वैगनर ग्रुप से सतर्क हो गया। इससे पहले भी पोलैंड के ABW के खुफिया अधिकारियों का बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है, दावा ये कि पोलैंड के हवाई अड्डों की गुपचुप जासूसी हो रही है, पोलैंड से कीव जाने वाली रेल लाइनों को रूस और बेलारूस जासूसी की नजर से देख रहे हैं, पोलैंड के हवाई अड्डों पर कहां कहां से यूक्रेन के लिए हथियारों की डिलीवरी हो रही है इसे खुफिया कैमरों में रिकॉर्ड किया जा रहा है। पोलैंड की खुफिया टीम के दावे के मुताबिक यूक्रेन की सीमा से 80 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्वी पोलैंड में रेजो में हवाई अड्डे और रेजो में हवाई अड्डे के पास से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर कैमरे लगाए थे। पोलैंड के रेजो में हवाई अड्डे का इस्तेमाल किए जाने वाले पश्चिमी देशों के नेता करते हैं। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है, पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है, ऐसे में पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता पोलैंड से ही होकर जाता है। यूक्रेन से पोलैंड की 535 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, पोलैंड के जरिए नेटो के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंच रहे हैं, हथियार चाहे अमेरिका से यूक्रेन आने हो या फिर ब्रिटेन से यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी मिलने वाली हो, हथियार पहले अमेरिका से पोलैंड पहुंचता है, वैसे ही ब्रिटेन से भी पोलैंड पहुंचता है और फिर पोलैंड से सड़क के रास्ते यूक्रेन। पोलैंड को आशंका है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पोलैंड पर अटैक कर सकते हैं, ये वजह है कि पोलैंड ने रूस की सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए अमेरिका से दुनिया का सबसे खतरनाक और घातक टैंक कहे जाने वाले एब्रम्स खरीद कर अपनी सीमाओं पर तैनात कर रहा है। पोलैंड के पड़ोस में मौजूद कलीनिनग्राद बाल्टिक सागर से लगा है, रूस की नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय भी कलीनिनग्राद में है, कलीनिनग्राद 223 किलोमीटर के इलाके में फैला है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कलीनिनग्राद में ही परमाणु हमले का अभ्यास किया था, रूस की कई परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां इस बेस पर तैनात रहती है, ऐसे में अगर पोलैंड से रूस का युद्ध हुआ तो पोलैंड को आशंका है कि रूस इस बेस से परमाणु हमला तक कर सकता है। पुतिन की धमकियों के बढ़ती आशंकाओं के बीच पोलैंड ने अपने देश में अमेरिका के परमाणु हथियार लगाने का सुझाव दे चुका है। पुतिन की सेना के बाद अब वैगनर भी पोलैंड के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, अगर पुतिन के परमाणु हमले वाली धमकी हकीकत में बदल गई तो उसका पहला शिकार पोलैंड बन सकता है, क्योंकि रूस और पोलैंड के बीच की दूरी करीब 5000 किलोमीटर है, यानी पोलैंड पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज में है। वहीं पोलैंड का डरने की एक और वजह है, वो ये कि नेटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का हिस्सा है और ये दोनों ही रूस के दुश्मन बने हुए हैं, यही वजह है कि अब पोलैंड परमाणु बम से लैस होना चाहता है। लेकिन बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर परमाणु हथियार वाले देशों में परमाणु हथियारों का लगाना दूसरे परमाणु युद्ध का कारण बन सकता है।